बच्चे ले रहे हैं यहाँ पूरे मजे, और भाई पानी भरना चालू हो गया है। ओ भाई कितना लोड लेकर चल रहा है यार। बाहर का मौसम आज कुछ ऐसा है, बादल साफ हैं, आज धूप होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और नया दिन नई शुरुआत। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। मम्मी तैयारी कर रही है रोटी बनाने की, अभी आटा ही गूंजा, रोटी तो खैर लेट बनेगी। बाकी अभी हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आपसे मिलते हैं अब कुछ देर। तो भाई अभी हम वेट कर रहे थे पापा के आने का, क्योंकि कल रात वो निकल चुके हैं, तो अब उन्हें पहुँच जाना चाहिए था 8-9 बजे तक। तो अभी शायद वो कहीं पर अटक गए या तो चाचा वाचा के घर चले गए होंगे, और मम्मी के फ़ोन पे वो फ़ोन करते हैं तो मम्मी का फ़ोन उन्होंने लगा नहीं है। बाकी 10 बज चुके हैं अभी वेट करते करते, और किचन में मम्मी ने काम चालू कर दिया है खाना बनाने का। तो रोटी बनने को तैयार है, और चाय पे फ्राई पैन रख दिया है चाय बनाने के लिए, तो खाने की तैयारी हो रही है। और 15-20 मिनट में हम लोग खाना लगा देंगे, तो देखते हैं आज क्या बना हुआ है। कुकर में चढ़ा रखा है तो मुझे भी नहीं पता। बाकी आप इसी तरह से बने रहिए, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है इस वक्त, और आगे भी हमेशा रहेगी। तो बस सपोर्ट करते रहो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और नहीं लग रहा अच्छा तो क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आप बता सकते हो। अगर होता है मेरे बस में तो मैं उस चीज़ को चेंज करूँगा, जो अच्छा हो सकता है मुझसे वो और अच्छा करूँगा। तो भाई खाना भी लग गया है, मम्मी ने तो चालू भी कर दिया। दरअसल मेरे दोस्त का फ़ोन आ रखा था तो मैं उस पर लग गया था। तो खाने में मम्मी ने कुकर में बनाया था भाई घिया, और ये है कल की पिसी चटनी, चाय, प्याज और रोटी। तो फटाफट से अपना खाना निपटाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओ भाई कितना लोड लेकर चल रहा है यार। ओ हो हो, वो देखो उस पर जगह ही नहीं है भाई, बैठने की जगह नहीं है उसके पास। तो भाई पापा पहुंच गए, 2 बजे पहुंचे थे, ट्रेन हो गई थी लेट जो कि यहाँ की होती रहती है, और उन्होंने खाना उन्होंने खा लिया, और उसके बाद से आराम कर रहे हैं तब से काफ़ी देर से। तो मस्त सो रहे हैं, और यहाँ चल रही है चाय की तैयारी। तो मम्मी बना रही है चाय, अब चाय के साथ ही उन्हें उठाया जाएगा, चाय पी जाएगी। बाकी ऐसा कुछ खास हो नहीं पा रहा है कि मैं आपको कुछ दिखाऊं डेली डेली, तो शादी वादी कुछ आए तो दिखाया जाए। बाकी फ़िलहाल चाय का वेट करते हैं, चाय पीते हैं। तो जी चाय आ गई अपनी, फटाफट भाई बहुत तेज खनाटे मारते हैं पापा। मम्मी उठाएगी अब, उठाओ मम्मी, हम चाय का मज़ा लेते नहीं, चाय का मज़ा ख़राब होने वाला है। तो चलते हैं ज़रा सा मामी के पास थोड़ा सा। अब मौसम ने तो भाई करवट एकदम से बदल दी है, हवा तो चल रही है। तो जी घर से बाहर निकले मिठाई की दुकान पे, दरअसल कुछ लोगों को बांटना बाकी रह गया था, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचे बारिश शुरू हो गई है, मस्त तो बारिश शुरू हो गई है भाई। ये देखो तो गर्म तो हो ही रहा था, मौसम ने मज़ा बांध ही लिया है। बारिश भाई भयंकर स्टार्ट हो गई है, आज तो एकदम ही मज़ा आने वाला है। ये देखो सारे भीगते भागते जा रहे हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मिठाई की दुकान पे, मिठाई खानी किसी ने तो आ जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो भीगते हुए जाएंगे। और बारिश भी लंबी हो गई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कोई नहीं इंतज़ार करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे ले रहे हैं यहाँ पूरे मजे, और भाई पानी भरना चालू हो गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ओ भाई
बारिश काफी देर से हो रही है यार, काफी तेज हो रही है। मैं तब से यहीं अटका पड़ा हूँ, बच्चों के मजे आ गए। बारिश तो रुकी नहीं, मुझे आना पड़ा भीगते हुए, तो पूरा भीगता भागता आया हूँ मैं। जरा सा था मेरे घर से रास्ता, मुश्किल से जो स्कूटी में मैं आया हूँ, आधे मिनट का भी नहीं है, उतने में पूरा भीग गया। बारिश हो बहुत तेज रही है। तो वही मम्मी पापा ने दिन में खा लिया था खाना, तो रात में कोई नहीं खा रहा, मैं बचा अकेला। मैंने दिन में नहीं खाया था, तो मैं खा रहा हूँ। और दिन का दाल भात और आलू की सब्जी, खाना अपना खाते हैं। बारिश हो गई, लाइट जा चुकी है, और बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।